साल 2020 में कई खगोलीय घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चाहे वो 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने का दावा हो या फिर पृथ्वी के करीब आए ब्लैक होल का नजारा हो। इसके साथ ही अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसका संबंध धरती पर गिरे एक उल्कापिंड से माना जाता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल कई उल्कापिंड धरती के पास से गुजरे हैं, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा था कि ये उल्कापिंड आएंगे और धरती से टकरा जाएंगे। इसके साथ ही दुनिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब ये उल्कापिंड आए तो जरूर, लेकिन धरती पर टकराने की बजाय उससे काफी दूरी से निकल गए। लेकिन कहा जाता है कि कई साल पहले एक 10 लाख टन वजनी उल्कापिंड धरती से टकराया था, जिससे एक बड़ी सी झील का निर्माण हो गया। इसे लोनार झील के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील अपने स्वरूप के चलते हमेशा से जियोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्ट को हैरान करती रही है। और अब खबर है कि इस झील का पानी पिछले 2-3 दिनों से नीले रंग से बदलकर लाल रंग हो गया है। जिला प्रशासन ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जाँच शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले इस झील पर हुए शोध में सामने आया है कि समय समय पर इसके पानी में बदलाव होते रहे हैं। लोनार खारे पानी की झील है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये झील उल्कापिंड की टक्कर से बनी है। इसका खारा पानी इस बात को दर्शाता है कि कभी यहाँ समुद्र था। लोनार झील के रहस्य को सुलझाने के लिए कई सालों से इस पर शोध कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश मापड़ी ने इसको लेकर कुछ जल विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। उनके अनुसार खारे पानी में हालोबैक्टीरिया और डुओनीला फंगस की बड़ी मात्रा के कारण कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट का विस्तार होता है, जिसके कारण पानी लाल हो सकता है। ये सभी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर अभी क्यों इसका रंग लाल हो गया है। आपको बता दें कि करीब 1.8 किलोमीटर डायमीटर की इस उल्के झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। शोध के मुताबिक पृथ्वी से टकराने के बाद उल्कापिंड 3 हिस्सों में टूट चुका था और उसने लोनार के अलावा अन्य 2 जगहों पर भी झील बना दी है। हालांकि अब अन्य 2 झीलें पूरी तरह से सूख चुकी हैं, लेकिन लोनार में आज भी पानी मौजूद है। कहा जाता है कि इससे पहले साल 2006 के आसपास लोनार झील में अजीब सी हलचल हुई थी। झील का पानी अचानक भाप बनकर खत्म हो गया। गांव वालों ने पानी की जगह झील में नमक और अन्य खनिजों के छोटे बड़े चमकते हुए क्रिस्टल देखे थे, लेकिन अब अचानक झील के पानी का लाल हो जाना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।